चलो ध्यान देना आप लोग पे सी विद दैट अपने ये जो सेशन है दैट इज द लास्ट सेशन फॉर योर थियरी डिस्कशन ऑफ कॉस्टिंग एक और सेशन होगा इन दैट वी आर गोइंग टू कवर योर सम्स ठीक है मतलब सम्स मींस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसमें कुछ मिसिंग uh, फिगर के सम्स हो सकते हैं लाइक दैट ठीक है और कुछ ज्यादा है नहीं एक बार है ना आप देख लो लास्ट क्लास व्हाट वी हैव कंप्लीटेड इन रिवीजन सेशन तो वी हैव स्टार्टेड लाइक ये पूरा आपको आइडिया होना चाहिए ऑपरेट exactly होता है ना हो आप, आप याद करो आपने एक चीज ये पढ़ा होगा मेथड ऑफ कॉस्टिंग और एक होता है कॉस्टिंग वॉट इज कॉस्टिंग टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्टिंग की जो मेथड है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दे प्रॉपरली टेक्निक्स का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है टेक्निक्स में क्या क्या था तो मार्जिनल कॉस्टिंग है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और बजेटरी कंट्रोल ये तीन चीजें अभी पढ़ेंगे अपने क्लियर है सो so, आप जब है ना टोटल स्कोप डिफाइन करते हो ना कॉस्टिंग का तो उसमें मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी आ जाती है प्लस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भी आ जाती है सी टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजेटरी कंट्रोल है वो ये टाइमलाइन पे आपको दिख रहा है उसका काम बट एक मार्जिनल कॉस्टिंग होता है जिसका काम आपको यहाँ दिख रहा है ठीक है ये टाइमलाइन पे नहीं दिख रहा है बट दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग का ही स्कोप है अभी अपने डिस्कस करेंगे फिर अपने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था सारे क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिए थे फाइनली यहाँ पे अपने ये वाला डिस्कशन कंप्लीट किया था ठीक है

जॉब कॉस्टिंग उसके बाद है बैच एंड प्रोसेस वैसे ना आपको पता होना चाहिए याद है किसी को पांचों के पांचों को आप डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज इज एप्लीकेबल जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल फॉर अ सर्विस इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री का अपना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ठीक है वहां पे आपका टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट चलेगा नहीं बिकॉज में वहां पे यूनिट अलग होता है लाइक like मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि आपने यहाँ से सपोज आप गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो आपका ट्रक अहमदाबाद से चला और बॉम्बे तक गया क्लियर है और वहां पर ना टेन टन आपने लोड किया था अहमदाबाद टू बॉम्बे या चलो आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में हो राइट सी आप मेथड ऑफ कॉस्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट पर यूनिट निकालना कॉस्ट पर यूनिट के बाद आप क्या कोट करते हो सेलिंग प्राइस अल्टीमेटली कॉस्ट पर यूनिट इज अ बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू कोट योर सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन बहुत होना चाहिए राइट right? तो सपोज यू आर इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस और आप अहमदाबाद से बॉम्बे एक बस चलाते हो अहमदाबाद में सौ लोग पचास लोग बैठे थे आपकी बस में और वो सीधा बॉम्बे गए और आपका टोटल जो ट्रैप ट्रिप का खर्चा हुआ पचास हजार तो अगर मेरे को ऐसा सिंपल करना है ना तो क्या होगा फिफ्टी थाउजेंड कॉस्ट हुआ पचास लोग थे एक लोग का खर्चा कितना एक पर्सन का एक हजार रुपए ये कितना सिंपल है बट है ना रियल लाइफ में गुड्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं होता है वो हो, हो क्या सकता है कि अहमदाबाद से पचास लोग बैठे कुछ लोग बरोडा पे उतर गए नए लोग चढ़े फिर सूरत पे उतरे चढ़े ठीक है तो अगर मैं टोटल मेरा कॉस्ट पचास हजार आ रहा है मैं आपको नंबर के साथ शेयर करता हूँ अब बताना कैसे होगा सी आपको ना एक हिंट मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड टोटल मेरी ट्रिप का खर्चा कितना है फिफ्टी थाउजेंड अहमदाबाद से आपने स्टार्ट किया पचास लोग बैठे थे एक आपने स्टॉप किया कहा बड़ोड़ा फिर सूरत और फिर आप फाइनली बॉम्बे पहुंचे राइट तो यहाँ पे क्या हुआ पांच लोग अनलोड हो गए मतलब उतर गए उनका डेस्टिनेशन आ गया और चार लोग नए वहां से स्टार्ट किए जर्नी फिर यहाँ पे तीन लोग उनका डेस्टिनेशन आ गया और चार लोगों ने जर्नी स्टार्ट होगा ना वहां पे एक, एक सीट खाली थी ठीक है मान लो पचास का कैपेसिटी है और फिर पचास लोग यहाँ पे उनका डेस्टिनेशन आया अब मेरा ना टोटल ट्रिप का खर्चा पचास हजार था तो मैं कैसे निकालू कि मान लो यहां से जो पांच लोग चढ़े थे ना अहमदाबाद टू बड़ोडा उनका मुझे कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा आप ऐसा कर सकते हैं कि टोटल पचास हजार है डिवाइडेड बाय टोटल कितने मेंबर हुए तो पचास यहां पे थे फिर चार यहां पे आए बीच में पांच उतर गए बट चार आए फिर चार यहाँ पे आए तो टोटल कितने आ गए फिफ्टी एट फिफ्टी एट लोगों ने ट्रेवल किया है पचास की कैपेसिटी भले ओब्वियसली नॉट तो तो नहीं, नहीं अभी आप जब नॉर्मल कॉस्टिंग करते हो उसमें क्या होता है टोटल करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट करते हो कितने यूनिट बनाए सर्विस इंडस्ट्री में यूनिट का जो कैलकुलेशन है ना इट इज अम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो चेंज चेंज होगा Suppose आप business, business में आप पेन बना रहे हो तो पेन कैन बी नंबर ऑफ यूनिट आप बॉटल बना रहे हो बॉटल में ऐसा नहीं है सर्विस इंडस्ट्री में मान लो सपोज यू आर इन ट्रांसपोर्ट तो आपको पैसेंजर दिखेंगे पैसेंजर के साथ वो कितना किलोमीटर ट्रेवल किए वो दिखेंगे सपोज यू आर इन दी होटल इंडस्ट्री तो कितने लोग कितने दिन रह रहे या कितने रूम कितने दिन ऑक्यूपाइड है सपोज यू आर इन दी हॉस्पिटल इंडस्ट्री हॉस्पिटल तो में कितने पेशेंट है आपके वहां पे क्लियर है एजुकेशन इंडस्ट्री में कितने स्टूडेंट है उनका ओवरऑल ड्यूरेशन क्या है यू आर गेटिंग दिस दैट इज द रीजन दैट यू नीड अ सेपरेट टाइप ऑफ कॉस्टिंग फॉर सर्विस इंडस्ट्री और उसको अलग से आप सीखोगे आगे जाके इंटरमीडिएट में ही आएगा वो और मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया ये ठीक है शायद उस टाइम अपने इतना डिटेल में नहीं बोला होगा मैंने इट इज नॉट रिक्वायर्ड ये रिक्वायर्ड नहीं है जस्ट अपने शेयर कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू सर्विस इंडस्ट्री उसका रीजन मैंने ये जस्टिफाई किया कि आप नॉर्मल कन्वेंशनल कॉस्टिंग से करोगे ना तो वहां चलेगा नहीं ऑपरेट वहां पे ठीक है वहां पे आपको सेपरेट चाहिए उसका अपना सिस्टम है उसके अपने रूल्स है ठीक है और वहां पे आपका कॉस्टिंग भी नहीं बनता है ठीक है क्या लिखो डायरेक्ट मटेरियल में मतलब डायरेक्ट लेबर में क्या लिखो सपोज एजुकेशन इंडस्ट्री में है डायरेक्ट लेबर में क्या लिखे क्वेश्चन मार्क है ना सर्विस इंडस्ट्री में डायरेक्ट लेबर नहीं हो सकता है क्लियर है मतलब आप लिखोगे तो वो छोड़ के चला जाएगा ठीक है जो आपके एम्प्लॉई है सी वहां पे अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और वहां पे उस तरीके से ऑपरेट होता है खैर आपको याद होना चाहिए क्या कि सर्विस इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेबल है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री लाइक हॉस्पिटल एजुकेशन ट्रांसपोर्ट होटल एक्सेट्रा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्शन सी मैं वापिस नहीं कर रहा हूँ मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठीक है वो फिर है ना वहां पे जाके आपको वो समझ नहीं है जैसे मैंने वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल दिया फ्लो फ्लो में बाकी वो रिक्वायरमेंट नहीं था आपके लिए राइट वैसे आप आपने ना मैंने पहले भी बोला हुआ कि वेन यू स्टार्ट इंटरमीडिएट ये सारा चैप्टर ही है हर एक एक, एक चैप्टर है तो चैप्टर से पहले हाफ एन आवर का डिस्कशन ही यही है दैट वाई वी आर स्टर्डिंग दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग और मेथड ऑफ कॉस्टिंग और वाई इट इज रिक्वायर्ड क्लियर है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का अपना पूरा अलग गेम है वहां पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यही काम आएगा अगर आपको बिल्डिंग का कॉस्टिंग करना है तो बिल्डिंग तो सालों साल चलती रहती है ठीक है तो अगर उसका कॉस्टिंग करना है तो यू हैव टू फॉलो वॉट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा वहां पे ऐसा नहीं होगा कि दस बिल्डिंग बनाई टोटल खर्चा करो डिवाइडेड बाय टेन ऐसा थोड़ी होगा हर एक बिल्डिंग का अपना अलग अलग सेटअप होगा यू हैव टू फॉलो दैट तो ये बहुत सिंपल है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज सो सिंपल कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है जॉब कॉस्टिंग क्या था इंडस्ट्री वेर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज यूनिक ये अपने बात हुआ था क्या एग्जाम्पल था बोलो वैसे यहाँ पे तो दिया है प्रिंटिंग एडवर्टाइज फाउंड्रीज मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया होगा जॉब कॉस्टिंग का जब आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हो ना तो जॉब कॉस्टिंग इज नॉट एप्लीकेबल मान लो आप कैलकुलेटर बना रहे हो तो कैलकुलेटर इज स्टैंडर्डाइज दस तरीके के अलग अलग बनाओगे बट जो एक तरीके के बनाओगे वो एक हजार दो हजार पांच हजार लॉट में बनाओगे ना तो यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होता जॉब कॉस्टिंग मीन वॉट कि मैंने ये काम किया दूसरा जो काम होगा ना वो इससे अलग ही होगा आप रिपीटेड नेचर का वर्क नहीं करते इन दैट इंडस्ट्री यू हैव टू फॉलो वॉट जॉब कॉस्ट इनफैक्ट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ना वो भी काइंड kind ऑफ of ऐसा ही है कि वहां पे रिपीटेड नेचर का वर्क नहीं होता आपने एक बिल्डिंग बनाई वैसे डुप्लीकेट बिल्डिंग थोड़ी बनेगी ठीक है तो वो ये दोनों है ना सेम नेचर से है बट इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या बताए

ओनली डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रेक्ट कॉस्टिंग वही है बट वो लॉन्ग टर्म है साल दो साल पांच साल तक चल सकता है क्लियर है बाकी दोनों अपने आप पे यूनिक है तभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अपने कहा रखा सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में राइट जॉब कॉस्टिंग क्या है बोलो एक आप एग्जांपल दो ये जो लिखे उसके अलावा मोबाइल फोन जॉब कॉस्टिंग पेंटिंग पेंटिंग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल मान लो आप पेंटिंग किसी का पे, मतलब आपको ऑर्डर आया है कि आपको है ना एक पेंटिंग बनाना है वैसे पेंटिंग इज एन आर्ट वो कोई बोलेगा वैसे नहीं बनता है आप अपने हिसाब से बनाते हो राइट बट मान लो किसी ने बना दो स्पेसिफिक ऑर्डर बोला है कि आप इसका पेंटिंग बना दो वो स्केच आर्टिस्ट होते हैं उनके वहां पे ऑर्डर होता है तो वो रिपीटेड नेचर का नहीं होता है वो यूनिक नेचर का ही होता है क्लियर है फिर है ना मैंने आपको वो बोला था कार वाला एग्जाम्पल यस yes. क्या आप कार बनाते नहीं हो अगर बनाते हो देन इट इज अ नॉर्मल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एक ही जैसी कार बनाओगे और यू कैन मेक अ कस्टमाइज कार कार होता है मतलब आप आप कोई आया कि मुझे ना यहाँ पे मर्सोर चाहिए यहाँ पे ऑडिट और... मतलब होता है ये सब असंख्य लोग मिलते हैं ठीक है थीके? सारी ब्रांड एक ही कार में चाहिए तो दे आर प्रिपेयरिंग कस्टमाइज कार क्लियर है आपने देखा नहीं ऐसे बहुत सारे होंगे और आप इट इज अ मिलियन डॉलर बिजनेस है इंडिया में इसका केस कम है बाकी आप बाहर चले जाओ ना तो ऐसी बहुत कंपनी है जो साल में पांच कार बनाती है कस्टमाइज कार और पांच कार में उनकी कंपनी चल रही है अब इमेजिन करो कितना कॉस्टली होगा वो तो कस्टमाइज कार का बिजनेस बहुत बड़ा है तो दैट इज अ जॉब कॉस्टिंग यूनिक एक एक अलग अलग है क्लियर है या तो फिर मैंने आपको ये बोला था कि सपोज आपका गैरेज है जहां पे आप रिपेयरिंग वर्क करते हो कार या टू व्हीलर का तो जो रिपेयरिंग आया वहां पे ऐसा नहीं हो सकता एक मान लो एक साल में आपने सौ कार रिपेयर करी तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हंड्रेड कार ऐसा नहीं होगा आपको कस्टमाइज देखना पड़ेगा हर एक कार में आपने कितना काम किया क्या क्या खर्चा हुआ है तो यू हैव टू चेक इंडिविजुअली कि हर एक जॉब में आपने कितना काम किया है वहां पे आपको जॉब वाइज कॉस्टिंग लगाना पड़ेगा राइट प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट फाउंड्री से बात हुआ था बैच कॉस्टिंग कहां पे एप्लीकेबल है वेर वी प्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हो क्लियर है एंड द प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन लॉट्स एंड बैचेस साथ आपने हजार बना 500 बना लिए लिए लाइक पेन पेंसिल कैलकुलेटर बॉटल जो बोलना हो ये सब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है कार भी ही है कार भी बैच में बनती है ठीक है आप कार बनाते हो तो क्या होता है कि सौ कार एक साथ बना दी ठीक है वो स्टैंडर्डाइज कार की बात हो रही है कस्टमाइज की नहीं तो वहां पे आप जैसे आपका रेडीमेड गारमेंट है टॉय मेकिंग है ठीक है ये सब आपका कवर होगा किसमें बैच कॉस्टिंग राइट

हिंदुस्तान पेट्रोलियम इंडियन ऑयल दे ऑल आर मार्केटिंग कंपनीज ऑफ ऑयल ठीक है पेट्रोल इन सब का जो मेजर सोर्स ऑफ सप्लायर है ना दैट ओ एनजीसी सप्लाई करता है इंपोर्ट भी मेजर कंपोनेंट इंपोर्ट होता है बट इंडिया में जो एक्सट्रेक्शन का एक्टिविटी है इट इज कंट्रोल्ड बाय ओएनजीसी राइट सो ये पांच तरीके के है आपको याद रखना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉन्ट्रेक्ट जॉब बैच एंड प्रोसेस डन देन टेक्निक्स टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में क्या था आपका मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजेटरी कंट्रोल सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजेटरी कंट्रोल का रोल आपको पता है बजेटरी कंट्रोल मीन की प्रिपेयरिंग बजट फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ कंपनी ये कहां पे होगा बिगेनिंग ऑफ द ईयर की एंड ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट बजट तो बजट एंड में बना के क्या करना है ठीक है बजट तो बिगेनिंग ऑफ द ईयर में होगा कंफर्म स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के दो काम है एस एच यहाँ पे एक ही लिखा है क्योंकि आपके करिकुल में पढ़ाया एक ही जाएगा कौन सा वाला कि एंड ऑफ द ईयर में रिकनसाइल करो क्लियर है छोटा सा एक पोर्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है वहां पे आपको यह सिखाया जाता है हाउ टू सेट अ स्टैंडर्ड कि स्टैंडर्ड सेट कैसे होते हैं क्लियर है बट अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्कोप डिफाइन करो तो दो है स्टैंडर्ड सेट करना और ईयर एंड में क्या करना रिकनसाइल करना कि एक्चुअल प्रॉफिट और बजटेड प्रॉफिट में क्यों डिफरेंस आया

ज इन वॉल्यूम टाइप ऑफ आउटपुट ऑन प्रॉफिट कर पाओ इतना so हम लेवल प्लस माइनस करें क्वॉंटिटी प्लस माइनस करे तो उसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे क्या आएगा ये वन ऑफ द स्कोप है ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग वन ऑफ द स्कोप क्या आप एक काम करो कि भैया ना टोटल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल को अलग कर दो और जो वेरिएबल है वो क्या होगा जितने यूनिट ज्यादा बनाओगे उतना बढ़ेगा और फिक्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट तो इसके बेसिस पे यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट वॉट विल बी दी चेंज इन योर टोटल कॉस्ट इफ यू इंक्रीज योर आउटपुट बाय सर्टन लेवल मान लो आप एक लाख बना रहे हो एक लाख बीस हजार बनाओगे तो एक्स्ट्रा बीस हजार बनाने पे कितना खर्चा एक्स्ट्रा होगा दैट यू कैन इजिली द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मैं वापस से बोल रहा हूं दैट इज नॉट अ ओनली स्कोप ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग अपने ऐसा कह सकते इट इज वन ऑफ स्कोप मार्जिनल कॉस्टिंग का स्कोप बहुत बड़ा है क्लियर है तो यहाँ पे तो वही बोला है और ये क्या हेल्प करेगा आप याद करो वो एग्जाम्पल कि ये प्रोडक्ट कितने में बेचना है एडिशनल प्रोडक्ट कितने में बेचना है वो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बताएगा ठीक है अगर बहुत अगर दो तीन लाइन में कंप्लीट करना हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स डिसीजन मेकिंग ठीक है आपको ये प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना है ये प्रोडक्ट बना के ए को देना है बी को देना है कि सी को देना है अगर आपके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है लाइक like मैं आपको एक एग्जाम्पल दू सपोज आपके पास है ना एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जहां पे आप ए भी बनाओगे बी भी बनाओगे और सी भी बना सकते हो बट है ना मार्केट में इतना डिमांड है कि आप सेटिस्फाइड तीनों को तो नहीं कर पाओगे तो एज अ ओनर ऑफ द कंपनी यू हैव टू टेक अ कॉल कि ए बनाए बी बनाए कि सी बनाए ऐसा हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है आप जब आप जब कंप्लीट कर लोगे ना सी ए you में अभी तो क्या है कि आपके पास टाइम ज्यादा और काम नहीं है वो कैटेगरी है ना मतलब आपको पिक एंड चूज नहीं करना है कि ये काम करे कि वो करे कि वो करे क्लियर है मतलब कुछ लोग एक्सट्रीम भी है मतलब काम ढूंढ लेंगे ठीक है वैसे तो आप अगर टाइम पास करना हो तो बहुत सारे काम है बट मैं जेन्यून ऐसा बोल रहा हूँ मान लो जो वैल्यू एडिशन वाले काम है वहां पे आपके पास ऐसा लिमिटेशन ऑफ टाइम में नहीं हो आप अभी कि मेरे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है बट वेन यू कंप्लीट योर सी ए में आपके पास है ना मान लो चार ऑप्शन है यू हैव है आप, आप जॉब में हो या आप अपने प्रैक्टिस में हो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है एंड देन यू हैव टू टेक अ कॉल कि ये चार पांच में से मेरे को कौन सा काम करना है राइट right नाउ बाकी तीन आपको जाने देने पड़ेंगे

तो है ना कि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट जानने के लिए उसका इंपॉर्टेंट है, है. है तो और बहुत सारे पैरामीटर कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है आ, एक का, या वन आवर्स का राइट उसमें से एटी थाउजेंड अवर्स इज ऑक्यूपाइड इन योर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ए बना रहे हो अब आपके पास ट्वेंटी थाउजेंड अवर्स अवेलेबल है कितने आवर्स अवेलेबल है ट्वेंटी थाउजेंड अवर्स आपके पास टोटल कितने थे वन लैक आवर्स उसमें से आप एटी थाउजेंड आपका एक डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है वहां पे आप बना रहे हो ठीक है अब बीस हजार अवर्स है इसमें आपके पास है ना तीन चॉइस है या बी बनाओ सी बनाओ या डी बनाओ अब है ना ये पर यूनिट आपको दस रुपए का प्रॉफिट देगा अगर बी बना के बेचोगे ना तो पर यूनिट दस रुपए का प्रॉफिट देगा ये आठ रुपए का देगा और ये छह रुपए का देगा तो कौन सा बनाओगे बी ना क्योंकि उसका प्रॉफिट इतना सिंपल नहीं है आपने ना आप थोड़ा प्रोसेस करो ध्यान से मैंने क्या बोला ये पर यूनिट प्रॉफिट है मेरे को पर यूनिट ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा चाहिए आपने ये नहीं पूछा कि सर वो ट्वेंटी थाउजेंड अवर्स में बनेंगे कितने यूनिट वो भी तो इंपॉर्टेंट है मान लो मैं आपको ये बोलू कि ये बीस आवर्स आप बी में लगा दोगे ना आप सिर्फ दस यूनिट बना पाओगे तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा एक लाख इसके बारह हजार यूनिट बनेंगे तो करो ना ट्वेल्व इंटू एट वन लैख नहीं 96 सिक्स आएगा तो नया मैक्स लाया मान लो यहां पे पच्चीस हजार यूनिट बनेंगे तो कितना आया डेढ़ लाख ये अलग अलग यूनिट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं हो सकते हैं ना ट्वेंटी थाउजेंड आवर्स में ऐसा थोड़ी है कि एक के दस हजार बन रहे

ठीक है ओवरऑल आपको बहुत सारे पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे ये सारे पैरामीटर इवेल्यूएट होते हैं अंडर योर मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियर है और मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप करते हो ना उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है आप, अब क्या होता है जहां जहां फॉर्मेट है ना मान लो जहा कोई भी जगह पे आप जहां पे भी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है ना वहां पे इन फ्यूचर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जीरो होने वाला है मान लो कहीं पे स्टैंडर्डाइज है कॉस्टेड है इट इज अ अटैंडर्डाइज फॉर्मेट तो रियल लाइफ में वेन यू एंटर इन योर रियल लाइफ कॉस्टीट कभी आप बनाते नहीं हो वो तो एक्सेल में ऑटोमेटिक बन जाता है यू हैव टू प्रोवाइड रॉ ठीक है वो ऑटोमेटिक सेट करके आ जाएगा सिस्टम को आप एक बार ये बता दो ना कि प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड आता है तो वो ऑटोमेटिक रख लेगा ठीक है बट मार्जिनल कॉस्टिंग में है ना इसके बाद क्या आता है वो अनसर्टन होता है दैट डिपेंड ऑन दिनारी ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो रियल लाइफ में जो आपको काम आएगा ना मतलब आप एज अ कॉस्ट अगर कंप्लीट हो गया तो एक होगा कि आप कंप्लाइंस के काम कर रहे हो ठीक है कॉस्टिंग बना रहे हो और वो सब सिस्टम में डाल के उसमें कोई जेन्युअन वैल्यू एडिशन नहीं है बट अगर आपको कोई वैल्यू एडिशन करना है कोई कंपनी में तो इन दैट यू हैव टू गेट कमांड ओवर मार्जिनल कॉस्टिंग एकदम ही कमांड होना चाहिए एंड वापिस से बोल रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है और एकदम ही लॉजिकल है मतलब आपको कुछ रटना नहीं पड़ता है एकदम लॉजिकल है सिर्फ आपका वो ब्रेन चलना चाहिए ठीक है तयुब तो आपको ये समझ आया कि मार्जिनल कॉस्टिंग का स्कोप क्या है टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल क्लियर है इसने बहुत नैरो नैरो डाउन डाउन करके करके बोला इसने करके क्या बोला इसने क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन एंड वेरिएबल कॉस्ट सो दैट दैट वी कैन आइडेंटिफाई विल बी डिफरेंसिट टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट वेन यू इंक्रीज योर टोटल आउटपुट क्लियर है बट ऐसा नहीं है बहुत सारे और भी चीजें इसमें इंक्लूडेड है राइट right? तो पे समझ आया टेक्निक सॉप इसमें ना दो तीन टेक्निक और भी है बट वो इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट होगा एक है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग

ओके okay, फिर ना एक अपने पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंस दैट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट ये अपने पास स्पेसिफिकली गिवन था आप देख लो वहां पे तो इसको ना अपने चार में कर सकते हैं पहला वाला क्या था अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना डिविडेंड देना दैट इज नॉट एन एक्सपेंस इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपने कमाया और आपने इतना पैसा डिविडेंड में दे दिया तो वो एक्सपेंस थोड़ी है क्लियर है और कॉस्ट शीट में आप नहीं मतलब आप समझो ध्यान से इफ यू आर ट्रांसफरिंग टू कॉस्ट शीट मैं वो लाइन याद रखना आप लोग ऑलवेज कि कोई भी कॉस्ट अगर आप कॉस्ट्रीट में ट्रांसफर करते हो दैट अल्टीमेटली विल बी रिकवर फ्रॉम कस्टमर तो डिविडेंड आप घर लेके गए मान लो आपने इस साल लाख का प्रॉफिट करा और उसमें से चालीस लाख आप डिविडेंड दे दिया तो चालीस लाख आप कस्टमर में ट्रांसफर करोगे बोले हम आपसे लेंगे अब क्योंकि हम डिविडेंड ले रहे थे नहीं दोगे ना वो तो ऑब्वियस है वो तो आपकी इनकम का अप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है राइट आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आएगा जो कॉस्ट रेट में नहीं आता है तो इनकम टैक्स इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड टू शेयर होल्डर इनकम टैक्स इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ना इनकम टैक्स मतलब क्या कि आपने जो किया, जो इनकम जनरेट जनरेट किया किया प्रॉफिट उसमें गवर्नमेंट का स्टेक बिकॉज यू आर लिविंग इन इंडिया इंडिया के रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट से आपकी इनकम पे हमारा इतना कट है और वो बहुत बड़ा होता है ठीक है अगर आप आप ऊपर वाले स्लैब में हो दैट यू हैव टू पे थर्टी परसेंट इनकम टैक्स सौ रुपए कमाओ तीस रुपए गए ठीक है ये रियल में है ऐसा आप और इंडिविजुअल लेवल पे तो क्या होता है कि पांच लाख तक कमाओगे ना तो आपको कुछ इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है बट सपोज यू आर ऑपरेटिंग विथ पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है कि मान लो आपने एक लाख कमाया ठीक है तो उसमें से थर्टी थाउजेंड आपको गवर्नमेंट को देना है स्ट्रेट अवे विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल जैसे हमारा वेदांत ना इट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म बिटवीन मी एंड भरत सर तो वहां पे ऐसा है आप है ना एक रुपया भी अर्न करते हो ना वन रूपी सपोज योर नेट प्रॉफिट इज वन रुपी इन यू हैव टू पे टैक्स ठीक है वैसे वैसे क्या होता है कि भाई पांच लाख तक आप कमाओ जनरल है उसके बाद आपको टैक्स पे करना है बट बहुत सारे ऐसे एंटिटी है आपने पढ़ा होगा ना देर आर एन नंबर ऑफ एंटिटी इंडिविजुअल भी है पार्टनरशिप फॉर्म है कंपनी है कंपनी में बहुत सारे कैटेगरी है एल है एल एल पी वर्ड सुना है आएगा या तो आपके आगे जाके आएगा ठीक तो है लिमिटेड आप गवर्नमेंट को दे रहे हो दूसरा क्या है dividend to shareholder. Dividend to shareholder is also appropriation. आप घर ले गए कमा के विद्रॉ कर दिया पैसा दैट इज ऑल्सो डिविडेंड विड्रॉल ये सब एक ही कैटेगरी के रिजर्व ऑल रिजर्व पचास लाख ले जाओ, तो में थोड़ी डाल देंगे हम कि ये कस्टमर से लोग क्योंकि मैं घर लेके गया ठीक है तो, तो बनाने का जो खर्चा है वही आप उसमें आप वहां पर रखोगे फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली इसका डेप्रिशिएशन आपका क्या हो सकता है एक्सपेंस हो सकता है वो आप बिल्डिंग ले लो बिल्डिंग इज़ इज़ नॉट योर योर कॉस्ट कॉस्ट बिल्डिंग का राइट right? फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको याद है ना ये क्यों नहीं करते अपने? पूछेगा कोई नहीं बट मैं आपको आपको ये ये पता आपको होना चाहिए as, as क्यों नहीं करते को? Perfect, ये, स, ये ऐसे एक्सपेंस है जो आप मतलब आपने डोनेशन दे दिया आपको शौक आया था डोनेशन देने का आप कस्टमर से कैसे मांगोगे मतलब कॉस्टशीट में आप ना ये लिंक पकड़ के रखो द मोमेंट यू ट्रांसफर एनीथिंग इन योर कॉस्टशीट दैट मीनस यू वॉन्ट टू रिकवर फ्रॉम योर कस्टमर तो आप डोनेशन दे रहे हो कस्टमर थोड़ी बोलेगा कि क्यों दिया डोनेशन अब इमेजिन करो कि आपके कॉस्टशीट में एडमिन ओवर डोनेशन लिखा हुआ है मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमने पचास लाख का डोनेशन दिया है इस वजह से हमारा प्रोडक्ट का प्राइस पांच रुपए बढ़ गया वो तो सेंसलेस हो गया ना वो आपका तो होगा क्या कि अगर आप ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कस्टमर से रिकवर करना स्टार्ट किया तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा यू विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटेटिव मार्केट बिकॉज आपने किया डोनेशन कोई और थोड़ी कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर ठीक है और अगर आपको करना है डोनेशन तो यू कैन डू फ्रॉम योर ओन प्रॉफिट्स आपको जो करना है करो उससे हम पूछने नहीं आने वाले बट आप वो कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ऐसा ही है देखो ध्यान से डोनेशन कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर राइटिंग को नहीं होगा वो बेचता ही नहीं है, पे, वो बेचता है तो, ही नहीं। तो ऐसी एक्सपेंस जो जनरल नहीं है ना जनरल ठीक है जो जनरल नहीं है वो कोई भी जनरल मतलब वो सबका नहीं होता है अगर सबका हो रहा है तो कॉस्ट्रेट में आएगा कॉस्ट्रेट में आएगा तो प्राइस में भी आएगा और सबके प्राइस में आएगा तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आप सर्वाइव कर पाओगे अगर कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस आप कर रहे हो ओवर एंड अबो नॉर्मल एक्सपेंस दैट विल बी एज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड इट विल बी नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्टिट राइट एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल एक्सपेंस फाइनेंशियल एक्सपेंस क्यों नहीं आते फाइनेंशियल एक्सपेंस मीन्स वॉट इंटरेस्ट इंटरेस्ट ना वाइट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्टिट की बहुत सालों पहले पड़ा है

द ये दैट इज रीजन वो प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं है आपने फंड मैनेज किया ना आपने पचास लाख का लोन लिया आपका तो खुद का पैसा लगाया उसने तो अगर आप आप वो इंटरेस्ट को में ट्रांसफर करोगे तो अगेन वही चेन है कि वो कॉस्टशीट में ट्रांसफर करा आपने और द मोमेंट यू ट्रांसफर टू कॉस्टशीट आपका कॉस्ट ऊपर गया कॉस्ट ऊपर गया सेलिंग प्राइस ऊपर गया और आपका मार्केट में प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव नहीं रहा बिकॉज सब लोग थोड़े लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं आपने लिया है तो दैट इज ओके आप अपने पास रखो और आपका जो प्रॉफिट आ रहा है ना जिसमें कॉस्ट नहीं होता जो प्रॉफिट बचा उसमें से वो कट कर सकते हो आप क्लियर है आप अगर कॉस्टशीट में ट्रांसफर करने बैठे तो इवेंचुअली पैरिटी नहीं रहेगा मार्केट में और आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे क्लियर है बिकॉज ये लिंक है कॉस्टशीट जो है उसके बेसिस पे ही आपका सेलिंग प्राइस कोट होता है तो ऐसा कोई भी चीज मैंने पहले बोला ना जो सबका नहीं हो रहा है ना वो आपका भी नहीं होना चाहिए ठीक है जो चीजें सबकी हो रही है जनरली कॉस्टिंग वही आप कॉस्टिंग में ट्रांसफर कर सकते हो और वही आप अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकते हो तो लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर ये फाइनेंस कॉस्ट है ये एक्सप्लेन करा था ना मैंने कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिडम्पशन क्या होता है रिडम्पशन क्या होता है रिडम्पशन बायबैक वर्ड सुना है बायबैक कि आप आपने भी, आपने प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इश्यू किया है डिबेंचर इश्यू किया है तो उसको पैसे वापस भी तो देने हैं इंडिया में यू कैन नॉट इश्यू परपेचुअल डिबेंचर परपेचुअल डिबेंचर आप इश्यू नहीं कर सकते मैक्सिमम बीस साल और पच्चीस साल दो अलग अलग है आप अगर डिबेंचर आपने सौ रुपए का इश्यू करा है तो उसको वापस पैसे दोगे ना जब ये प्रोसेस को बोला जाता है रिडम्शन ऑफ डिबेंचर कि हम डिवेंचर को क्या कर रहे हैं रिडीम तो आप देखना ध्यान से हम इंटरेस्ट ऑन लोन ये समझ आ रहा है ये तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल कॉस्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन वो फाइनेंशियल कॉस्ट है फिर है ना इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल ये ना नोशनल कॉस्ट भी है फाइनेंशियल कॉस्ट तो है बट पैरेलली यू कैन कॉल इट व्हाट नोशनल कॉस्ट किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर आप दोनों कैसे बोल रहे हो जैसे डायरेक्ट मटेरियल है इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो तो अलग पर्सपेक्टिव से देखने की बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नोशनल है पचास लाख बिजनेस में लगाए तो इंटरेस्ट किसी को देना तो नहीं है ना आप बोल रहे नहीं, नहीं, इस इस, इस चार्ज करो तो ये नोशनल हुआ क्योंकि है किसी को देना नहीं है बट स्टिल यू वॉन्ट टू कैल्क्युलेट राइट लास्ट लेक्चर में वीर डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन नोशनल एंड ऑपर्चुनिटी कॉस्ट नोशनल मतलब है ही नहीं और आप कैल्कुलेट कर रहे हो ऑपॉर्चुनिटी मीन वॉट के पास एक और ऑप्शन था आपने उसको छोड़ा है ठीक है और वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था वापिस आना यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ये बहुत सिंपल है फिर है ना डिस्काउंट एट अ टाइम ऑफ और प्रीमियम एट अ टाइम ऑफ रिडम्शन ये दोनों भी इंटरेस्ट है ठीक है एक बार ध्यान देना आप लोग मान लो आपने ना सौ रुपए का डिबेंचर इश्यू किया है उसका टेन परसेंट इंटरेस्ट है कितना इंटरेस्ट है टेन परसेंट तो हर साल आप कितने रुपए दोगे दस दस रुपए दोगे और पांचवे साल के एंड में सौ रुपए और दे दोगे वापस मान लो पांच साल का ड्यूरेशन है तो दस रुपए क्या है? इंटरेस्ट है रुपए इंटरेस्ट नहीं है। of, अब ना ये हुआ। थोड़ा अलग क्या होता है कि सौ रुपए का डिबेंचर है कितने का डिबेंचर है सौ रुपए का और आप उसको क्या बोल रहे हो कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ठीक है कोई इंटरेस्ट नहीं बट हम क्या करेंगे कि ये सौ रुपए है ना आज आप सौ रुपए दे दो और पांचवे साल के एंड में हम आपको एक सौ साठ रुपए अरेंजमेंट अलग हो गया ना सिर्फ यहाँ पे क्या ये नॉर्मल अरेंजमेंट था वहां पे आपने अलग अरेंजमेंट किया बोले हर साल मांगने नहीं आना ये क्या है कि दस दस रुपए आ जाते हो एक काम करो पांचवे साल के एक साथ आना एक साठ रुपए एक्स्ट्रा तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी कह सकते हैं अपने और अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो इट इज ऑल्सो इंटरेस्ट इनडायरेक्ट वे में आपने इंटरेस्ट कोट किया है और दूसरा ऐसा होता है कि एक काम करो आज हमको ना पचास रुपए दे दो आज कितने दे दो 50. और जब आप पांच साल बाद आओ ना हम आपको सौ रुपए पे कर देंगे कितना पे कर देंगे हंड्रेड तो रिडम्पशन एट पार हो रहा है फेस वैल्यू उसका कितना है सौ तो रिडम्पशन हम सौ में ही कर रहे बट इश्यू किस पे किया आपने डिस्काउंट पे दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ

फिर दूसरा ये कि ये सब जाने दो वापस सौ मिलेंगे आज पचास दे दो ये बहुत फेमस है ना ये वाला ये ना इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं पचास रूपये आज दे दो और एक साल के बाद आप पांच साल के बाद आपको सौ रूपये मिलेंगे एफडी में तो यही होता है फिक्स डिपॉजिट में यही तो होता है ठीक है कि आज आप लगा लो आठ दस साल के बाद आपको डबल करके देंगे वो लोग तो हर साल कुछ नहीं देते वो डबल करके देते हैं तो इसको भी आपने ऐसा कह सकते हैं ना कि आपको डिस्काउंट पे इश्यू किया और ज्यादा दिया या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे अल्टीमेटली ये एक ही हुआ क्लियर है so सो यहाँ पे ऐसे है सारे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन शेयर पे करना रिडम्पशन के टाइम इंटरेस्ट ऑन करनाचर डिस्काउंट ऑन शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट कब होता है इश्यू के टाइम ठीक है रिडम्पशन के टाइम डिस्काउंट नहीं के टाइम डिस्काउंट अयो भी समझ आ रहा है चारों के चारों क्लियर है तो ये ना ये लिस्ट है मैंने इसको बाइफोगेट मैनर में यहाँ लिखा है बाकी लिस्ट आपके पास होगी अपना जो स्पाइरल इश्यूड है उसमें क्लियर है वो सारे एक्सपेंस यहां आ गए चलो नेक्स्ट देखना कुछ स्पेशल टर्म है जो आपको पता होने चाहिए ट्रेड डिस्काउंट सुना है क्या होता है नॉर्मल सेल्स पे क्यों ट्रेड डिस्काउंट इज अ नॉर्मल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय एनी सेलर टू इंक्रीज देर सेल्स होता है ना स्कीम लाया नया नया अपने लाते हैं एमेजोन वाले है अल्टीमेटली तो वही होता है अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड होता तो कॉस्टिंग में तो भूल जाओ ठीक है ऑब्वियसली नहीं रिकॉर्ड होता है आप समझो कॉस्ट अकाउंट्स में से एलिमिनेशन है कॉस्टिंग में बहुत सारे जैसे आप देखो ध्यान से डोनेशन इज एन एक्सपेंस डेट यूर टू रेकॉर्ड इन योर अकाउंट्स अकाउंट्स में लिखते हो ना पीएनएल में डोनेशन दिया यहाँ पे बोले आपने दिया तो अपने पास रखो ठीक है में नहीं आएगा ट्रेड डिस्काउंट तो बहुत सिंपल है कि मेरी 100 की चीज है मैं सौ रुपए बोल के सौ रुपए नहीं लेना चाह रहा हूँ मेरे को अस्सी लेने थे मैंने सौ कोट किया और फिर आप आए ना तो आपने मैंने बीस काट के बोला कि एटी रुपीज देट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट रेकॉर्डेड इन योर अकाउंट्स एज वेल एज इन योर कॉस्टिंग कई रेकॉर्ड नहीं होता है वो right? राइट रीड करना तो ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिफर्ड एज अ डिस्काउंट दैट इज ऑफर्ड बाय सेलर टू बायर ऑफ प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन सेलिंग इन द प्राइस ऑफ द आइटम ट्रेड डिस्काउंट आर ऑफर टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेक द कस्टमर फील दैट दे आर गेटिंग दी ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये देखो क्या बोला है इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेक द कस्टमर फील दैट ठीक है जेन्युइनली हो नहीं हो बट उनको फील ऐसा होना चाहिए कि हमने बेस्ट ऑफर क्रैक करा है फिर अपने को पता होता है ना कि उसने क्या करा है ठीक है नो अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर फॉर कीपिंग ट्रैक दैट डिस्काउंट कितना दिया ना वो हर डील में अलग अलग होगा जैसा कोई आया ठीक है जैसे जैसे नेगोशिएट किया उस हिसाब से होगा और इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है हमने जो प्राइस पे बेचा फाइनली इट इज फाइनल सेलिंग प्राइस ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता ना आपके अकाउंट्स में ना आपके कॉस्टिंग कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आप जल्दी पैसा दे दो, we'll get a discount. Like मैंने आपको ऑफर किया था, आप आए तो तो हमने 80 में डील किया, तो वो 20 क्या है? डिस्काउंट फिर अस्सी रुपए आपको तीन महीने बाद देने थे और मेरे को अभी पैसे की जरूरत पड़ी मैंने आपको एक और ऑफर बताई कि अगर आज आप पेमेंट कर रहे हो ना यू विल गेट एट अवेंटी फोर छह रुपए और डिस्काउंट तो ये छह रुपए जो एक्स्ट्रा बोले ना क्योंकि आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो उसको कि आप जल्दी पेमेंट कर दो आज तो फिर वो छह रुपए अब है ना सिंस यू है कितने में रेकॉर्ड किया एटी और आप रिसीव कितने करोगे सेवेंटी फोर तो छह रुपए तो रेकॉर्ड करने बनते हैं तो छह रुपए आप कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे ये रिकॉर्ड होगा सिर्फ आपके अकाउंट्स में आपके कॉस्ट शीट में ये नहीं होगा बिकॉज इट इज एन ऑल्सो फाइनेंशियल कॉस्ट आपने पैसा जल्दी चाहिए ना तो आपने छह रुपए डिस्काउंट दिया जल्दी पैसा यूज करने चाहिए तो तो फाइनेंशियल कॉस्ट हुआ तो शीट में आप छह रुपए नहीं डाल सकते ठीक है वो आपके प्रॉफिट में से कट होंगे कॉस्ट में नहीं होगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना कम होगा अयो समझ आ रहा है बट यस इट इज रेकॉर्डेड इन योर अकाउंट्स अकाउंट्स में इसको रेकॉर्ड किया जाता है बट कॉस्टिंग में इसको रेकॉर्ड नहीं किया जाता है। और उसका बहुत सिंपल रीजन है इट इज एन फाइनेंशियल कॉस्ट यू कैन नॉट इन योर कॉस्ट शीट फाइनेंशियल कॉस्ट कभी भी record नहीं होता ओके कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन ये ना मेरे को ऐसा है कि अपने जब नॉर्मल लेक्चर्स कर रहे थे ना एट दैट टाइम बहुत क्लैरिटी से डिस्कस नहीं हुआ है एकदम ध्यान से सुनना थोड़ा एम्बिकुअस डिस्कशन है मुझे जितना याद आ रहा है एकदम ध्यान से सुनना कॉस्ट कंट्रोल है किसी को याद है ये कॉस्ट कंट्रोल आपको याद क्यों नहीं है मेरे को बहुत टाइम हो गया ऐसा घर पे जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप हा मतलब वो परफेक्ट ही है सी ऐसा ही है कुछ बट मेरे को ना ऐसा याद आ रहा है थोड़ा एमबीक्यूएस डिस्कशन मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूँ आप लोग पढ़ते नहीं हो ना घर पे तो प्रॉब्लम है जेन्यून प्रॉब्लम है मैं ऐसा बोल रहा हूँ आप पास भी हो जाओगे फाउंडेशन मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था बट तो है ना इंटरमीडिएट में एकदम नेक्स्ट लेवल आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा ठीक है तो वो हैबिट है ना डेवलप करो आप पढ़ने की कुछ भी पढ़ो ना यार जो पढ़ना है पढ़ो आपको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट छोटा है ये हो जाएगा तो कुछ और पढ़ो कि यही बड़ा लगता है ज्यादा लगता है नहीं लगना चाहिए ज्यादा क्या ज्यादा लग रहा है हम्म चलो ध्यान आप लोग है ना अभी रिसेंटली कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है अपने जो लोग कंप्लीट किए ना सीए में लास्ट टर्म में तो चार रीजन में होता है पहला रीजन में हुआ है है शायद ना या 90 लोग वहां गए थे कैंपस में कितने लोग पास होते हैं और उसमें आठ सौ नौ सौ में से दो सौ तीन सौ तो अपने हिसाब से सेटल ही होते पहले से कि भाई मुझे ये करना है बाकी छ सौ लोगों को जॉब चाहिए पूरे हर छह महीने में तो छे सौ लोगों में सौ डेढ़ सौ सौ डेढ़ सौ चारो रीजन में जाते हैं साउथ में लोग ज्यादा जाते हैं नॉर्थ रीजन में सौ लोग होंगे वेस्टर्न रीजन में छह सौ लोग टोटल जॉब के लिए ढूंढते हैं हर छ महीने में जब पास होते हैं ना छह महीने में तो सौ लोग आपको नॉर्थ में मिलेंगे सौ लोग वेस्ट में मिलेंगे ईस्ट में भी सौ लोग मिलेंगे और दो सौ लोग आपको साउथर्न रीजन में मिलेंगे ईस्ट और साउथ में थोड़े ज्यादा लोग होते हैं पास होने वाले क्योंकि वहां पे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है सीए में साउथ में स्पेसिफिकली इन साउथ हो तो सौ या एक सौ दस लोग थे नॉर्थन रीजन में आउट ऑफ दैट दिक्सटी लोगों को जॉब मिला सिक्सटी को बाकी पचास लोग सिलेक्ट नहीं हुए कैंपस कैंपस ऑफ अभी मिलेगा उनको ऑफ कैंपस जाते ही आपका सैलरी रेंज छह लाख सात लाख हो जाएगा कैंपस में अगेन करंट अटेप में हाइएस्ट सैलरी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव ठीक है अट्ठाईस लाख का सैलरी है स्टेट हवे और वो पीएफसी ने प्रोवाइड किया अगेन और गवर्नमेंट ना पी कंपनी है एस कंपनी में जहां पे जॉब सिक्योरिटी हंड्रेड परसेंट वहां पे आपको ट्वेंटी होंगे जिनके पेरेंट अगर फिफ्टी की एज पे होंगे ना उनका भी अर्निंग नहीं होगा वो एट दी एज ऑफ फिफ्टी कुछ लोग होंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बट मेजोरिटी के पेरेंट्स नहीं अचीव कर पा रहे होंगे वो तो आप इमेजिन करो स्ट्रेट अवे आपको 21 की एज पे 28.5 अगर कोई दे रहा है तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या होगा क्लियर है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना सिंपल जर्नी नहीं है ठीक है अगर आपको फाउंडेशन को देख के ऐसा फील हो रहा है ना तो ऐसा है नहीं और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते आप लोग कैपेबल हो एकदम प्रॉपरली आपने ट्वेल्थ तक क्या किया वो मैटर ही नहीं करता है बट वो जो डिसिप्लिन है ना सेल्फ मोटिवेशन जो है इट इज रिक्वायर्ड कोई फोर्सफुली पढ़ा नहीं सकता इट इज गारंटीड सेल्फ मोटिवेशन चाहिए तीन साल है और कुछ है नहीं यार तीन साल मेहनत करो आप इजीली क्रैक कर लोगे चलो आ जाना यहाँ पे चलो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि ना किया, कि किया मतलब एक इस साल मान लो एक लाख यूनिट बनाने और आपने प्लान भी यही किया लाख यूनिट बनेगा तो आपको आपने ये स्टैंडर्ड के हिसाब सेट किया कि एक लाख यूनिट बनाने के लिए पचास लाख रुपए का खर्चा होना चाहिए फिफ्टी रुपीज पर यूनिट राइट हाँ अगर एक लाख के बदले डेढ़ लाख बनते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा वो सिनारियों को डील नहीं कर रहे हम वही सिनारियों को डील कर रहे हैं कि हमने एक लाख सोचा था बजट में और एक लाख ही बनाने वाले तो उसके हिसाब से आपका कॉस्ट कितना होना चाहिए पचास लाख अब आप उसको मैनेज करना स्टार्ट करो कि पचास लाख में बन जाए पचास लाख में बन जाए पचास लाख में बन जाए इट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल कि हमने जो सेट किया है ना उसी के विद इन दी रेंज हमको कंप्लीट करना है इसको क्या कहोगे आप कॉस्ट कंट्रोल क्लियर एक बार रीड करना

उसी के रेंज में रहने का जो ट्राई है इट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल क्लियर है मतलब आप 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 ट्राई ट्राई करो कि उसी के रेंज में हो हो जाए उसको कॉस्ट कंट्रोल कहोगे ठीक है है अब मान लो आप कर रहे बट चीजें ना बढ़ रही है आपको लग रहा है आपने एक लाख बनाने के लिए पचास लाख का खर्चा होना चाहिए आपने पचास हजार बनाया और अट्ठाइस लाख का खर्चा हो गया है इसका मतलब क्या पचास हजार पे अट्ठाइस लाख हुआ है तो एक लाख बनाने में तो फिफ्टी सिक्स लाख होगा हाइपोथेटिकली मानो ऐसा तो आपको पता चला कि कॉस्ट कंट्रोल में अब नहीं है देन यू हैव स्टार्टेड दी कॉस्ट रिडक्शन एक्टिविटी कि अब ना कुछ करो कि कट डाउन हो cost, cost, cost हो कॉस्ट 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 एडवर्टाइजमेंट रहा है फालतू का चलो उसको बंद करो ठीक है बट अगेन क्वालिटी पे इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए आप प्रोडक्ट का मटेरियल एक गायब कर दो तो फिर कोई काम का नहीं है ठीक है वो प्रोडक्ट तो फिर वैल्यूलेस हो जाएगा आपने मटेरियल चीप क्वालिटी का इम्पोर्ट कर दिया तो ऐसे कॉस्ट कट करना जो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करे लाइक आप है ना एकदम बहुत हेवी मार्केटिंग कैंपेनिंग लगाया हुआ था आपको पता चला कि कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है पचास लाख से ऊपर जाएगा तो यू कैन कट डाउन दैट कॉस्ट इसको कट कर सकते हैं बट मेज फोकस क्या रहे यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद विथ क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट द मोमेंट यू कॉम्प्रोमाइज विद दैट फिर सारी चीजें प्रॉब्लम में क्लियर है तो ध्यान देना कॉस्ट रिडक्शन क्या है कॉस्ट रिडक्शन इज अ प्रोसेस एम एट लोअरिंग द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस जेंडर विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी बाई यूजिंग न्यू एंड मेथड एंड टेक्निक्स ठीक है आप कुछ नया लाओ मान लो कोई आपका मशीन था जो ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस मांग रहा है दैट इज द रीजन सी आप समझो ध्यान से ये एक्टिविटी कब स्टार्ट होती है जब आप कॉस्ट कंट्रोल से हार जाते हो कि कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन का एक्टिविटी स्टार्ट होता है कि नहीं हो रहा है आप कंट्रोल चलो आप रिडक्शन का बात करते हैं कि क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक मशीनरी है ना रोज बिगड़ती है उसको बदलो ठीक है उसको आप चेंज करो तो ये ये जो स्टेप लिया इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन मार्केटिंग कैंपेनिंग हैवी लगा दिया है, बंद करो उसको ठीक तो है तो इस आप क्या किससे ट्राई करोगे कंट्रोलिंग से ठीक है कंट्रोल करने का ट्राई करोगे कि भाई हमने जो सोचा था कि मटेरियल दस के लगना चाहिए तो दस के लगे ठीक है अगर वो नहीं होता है ना ज्यादा लग रहा है तो फिर अपने ये प्रोएक्टिवली काम करेंगे क्यों ज्यादा लग रहा है मशीनरी खराब है मशीनरी बदलो दैट इज अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस ठीक है समझ आ रहा है cost control means what? कि आप विद इन द रेंज रखना चाह रहे हो बट नहीं रख पा रहे देन सेकंड स्टेप विल स्टार्ट दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन जिसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो राइट कॉस्ट रिडक्शन इज अ प्रोसेस एम्स एट लोअरिंग द यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी बाय यूजिंग न्यू एंड इंप्रूव इंप्रूव मेथड एंड टेक्निक

कॉस्ट कॉस्ट सेंटर एंड यूनिट ये ना डिस्कस नहीं हुआ है आपके नॉर्मल क्लास में सी कॉस्ट सेंटर क्या होता है पता है आप इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट समझते हैं बोला एग्जाम्पल कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट डिप्रिशिएशन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम रेंट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज पार्ट ऑफ वॉट विच ओवर इट फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड एकेडमी मतलब आप मान लो कि आपकी एडमिन uh, ऑफिस का है तो वो एडमिन ओवरहेड एनी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जीएसटी इज जीएसटी इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्टिंग नहीं होगा ना टैक्सेशन का कोई बात ही नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी चलो एक बार ध्यान देना सपोज आप ना बड़ा सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है और uh,

मेन्स वेयर में हो वुमेन्स वेयर में हो ठीक है सब चिल्ड्रन वेयर में भी है अपने पांच सौ मशीन गार्मेंट्स की वहां लगी पड़ी है तो उसमें मशीन बिगड़ने का प्रॉबिबिलिटी है ना अगर पांच सौ चल रही है तो रोज एक आध बिगड़ेगी साल में एक तो बिगड़ती है तो पांच सौ मशीन रोज एक एक बिगड़े ना तो भी वो साल में एक बार नंबर आएगा उससे भी ज्यादा तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा मशीनरी है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क आप आउटसोर्स नहीं कर सकते बोले बिगड़ी तो बाहर उठा के लेके गए फिर रिपेयर करवा के लाए तो रोज करना पड़ेगा क्योंकि तो रोज एक मशीन बिगड़ेगी तो आपने क्या किया वी हैव अ सेपरेट सेंटर ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका एक सर्विस करने का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने का एक सेपरेट विंग है वहां पे आपने दस लोग को रखा हुआ है उनका काम क्या है रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना अब ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरे साल अगर आप ऑपरेट करोगे ना तो दस लाख का खर्चा होगा हाइपोथेटिकली मानो ये दस लाख का जो खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस टीम का इट इज डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट वहां पे तो मैंने बोला ना 500 सौ मशीन है जिसमें से 200 सौ मशीन मेन्स वेयर बनाती है 200 सौ मशीन वेयर बना रही है तो चिल्ड्रन वेयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है तो वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो करने जाएगा वो लिखेगा मेन्स वेयर में कितने मेन्सवेयर में कौन से प्रोडक्ट पे कितना टाइम लगाया ऐसा तो नहीं होगा ना दैग इज ए जनरल कॉस्ट अब है ना वो ये क्या हुआ बता है जो सर्विस डिपार्टमेंट हुआ ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको कहते हैं कॉस्ट सेंटर जहां पे एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड होता है या सारे कॉस्ट एक्यूमलेट होते हैं कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें पूरे साल में सारा खर्चा कितना हुआ दस लाख इनडायरेक्ट कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट कभी भी कॉस्ट सेंटर में नहीं आते जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो पहले कॉस्ट सेंटर में लाया जाता है लाइक सर्विस एंड सर्विस का मैंने जैसे बोला ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है बट ये पहले कौन से हेड में आएगा ये आपके हेड में आएगा कि सर्विस डिपार्टमेंट जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका पूरा खर्चा कितना है दस लाख फिर आपका काम क्या स्टार्ट होता है कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन सा ओवरहेड है एडमिन फैक्ट्री तो फैक्ट्री है अब फैक्ट्री ओवरहेड आइडेंटिफाई हो गया अब फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर करना है बट सारे प्रोडक्ट में करना है ठीक आप है आप मान लो मैंस वेयर है वुमेन्स वेयर है और चिल्ड्रन वेयर है मान लो ये तीन कैटेगरी है तो ये दस लाख आप तीन कैटेगरी में ट्रांसफर करोगे ठीक है या तीन कैटेगरी मान लो पांच पांच प्रोडक्ट है तो टोटल कितने हो गए पंद्रह कैटेगरी हो गए तो पंद्रह प्रोडक्ट में आप ट्रांसफर करोगे तो प्रोडक्ट में जब ट्रांसफर होता है ना वो यूनिट हो जाता है मान लो आप शर्ट बना रहे हो मेन्सवेयर में।, तो तो में से क्या किया दो लाख यूनिट कहते हो लाइक like अगर बोतल बना रहे हो तो बोतल आपकी नंबर ऑफ बोतल इज यूनिट क्लियर है वापिस से बोल रहा हूं कॉस्ट सेंटर जहां पे आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर्ड होते हैं वहां पे और कॉस्ट यूनिट मीन वर्ट कि जहां से आप रिकवर करते हो अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को कि वो कॉस्ट अल्टीमेटली ट्रांसफर होता है लाइक like, दूसरा एग्जाम्पल दे दे अपने तो फार्मास्यूटिकल है जहाँ पे बहुत सारे ड्रग आप बनाते हो अब आपका एक रिसर्च एंड रिसर्च का टीम है वो कंटिन्यू क्योंकि फार्मा में ना द मेन कंपोनेंट इज रिसर्च बनाने का कोई खर्चा नहीं है ठीक है एक स्ट्रिप बनाने में दस गोली आती है वो एक रुपए में बन जाती है दस की दस बट वो बेचते हैं तीन सौ रुपए में द मेन कंपोनेंट इज व्हाट रिसर्च बनाने का कोई खर्चा नहीं है एंड दैट इज द रीजन जेनरिक मेडिसिन एंड जो स्पेशलाइज मेडिसिन है उन दोनों में गैप होता है ठीक है तो मतलब बहुत ह्यूज गैप होता है ठीक है प्राइस में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करे जा रहे हैं अब ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है कि बहुत सारे रिसर्च फेल भी होते हैं फेल भी होते हैं ना आपने रिसर्च किया और सीधा सक्सेस हो गया ऐसा थोड़ी रिसर्च होता है आपका फेल होने का प्रॉबिलिटी ज्यादा है अब आपने मान लो दस रिसर्च करे थे जिसमें एक करोड़ का खर्चा हुआ है क्लियर है और ग्यारहवा रिसर्च जो है ना वो सक्सेस हुआ तो आप ध्यान से सुनना वो दस के दस जो एक्सपेंस पहले हुए ना दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सक्सेसफुल रिसर्च तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इट इज अ कॉमन विंग वो सेपरेट है वो कॉस्ट सेंटर है जहां पे एक्चुअली खर्चा हो रहा है बट इनडायरेक्ट है डायरेक्ट नहीं है वो फिर वो हम रिकवर करेंगे यूनिट से जिसको आप कॉस्ट यूनिट बोलो या यूनिट बोलो क्लियर है एक बार रीड करना चलो कॉस्ट सेंटर रिफर टू एनी प्लेस पर्सन मशीन सेक्शन पार्ट एक्टिविटी और फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग वहाट होगा ना वो वहां करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बोला की आप कोई मैन्युफेक्चरिंग में हो तो क्या हो जाएगा यूनिट पेन बना रहे हो तो पेन कैल्कुलेटर कैलकुलेटर बॉटल है तो बॉटल अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो तो अलग अलग है कभी कभी क्या होता है कॉस्ट पर आवर भी होता है ठीक है कॉस्ट पर आवर है कॉस्ट पर पैसेंजर है कॉस्ट पर स्टूडेंट है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज अ ऑफ क्वांटिटी प्रोडक्ट सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ठीक है कुछ भी हो सकता है इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टन एड एक्सप्रेस जिस जिस टर्म में आप कॉस्ट एक्सप्रेस करते हो ना जैसे आप है ना मान लो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो कॉस्ट कैसे कोट करेगी कॉस्ट पर स्टूडेंट तो उनके लिए कॉस्ट यूनिट स्टूडेंट है आपके पास है ना एक, एक पूरा पेज होगा कि कौन सी इंडस्ट्री का कौन सा कॉस्ट यूनिट है ठीक है ना पेज वो आपको देखना है कॉस्ट यूनिट मतलब क्या कि आप क्या बनाते हो या क्या सर्विस देते हो दैट इज योर कॉस्ट यूनिट अल्टी और उसके लिए आप कॉस्ट पर यूनिट कोट करते हो वापिस से बोल रहा हूँ कॉस्ट सेंटर मतलब जहां पे इनडायरेक्ट खर्चा होता है लाइक सर्विस डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग इज वॉट अकाउंटिंग में खर्चा होता है आपका तो ये इनडायरेक्ट है और वो कॉस्ट सेंटर है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर वो अकाउंटिंग पूरे साल में आप बारह लाख का खर्चा कराए तो वो आपके प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा प्रोडक्ट मतलब जो भी आप बनाते हो या जो सर्विस देते हो वो आपका क्या है कॉस्ट यूनिट क्लियर है तो ये दोनों डिफरेंस है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट में ओके इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग तो इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये अपने पढ़ चुके एक बार कि वो क्लासिफाई कर सकते हैं कॉस्ट कहाँ कितना खर्चा हो रहा है फिर कंट्रोलिंग में आपको हेल्प हो सकता है अगर आप कॉस्टिंग कर रहे हो तो तभी मतलब कॉस्टिंग का स्कोप आप देखो ध्यान से कॉस्टिंग का स्कोप क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजेटरी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट दैट इज द होल स्कोप ऑफ कॉस्टिंग तो अगर आप स्टैंडर्ड सेट किया है तो आप कंट्रोलिंग कर सकते हो क्लियर है फिर उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइस उसी के बेस पे होगा अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो ही प्राइस होगा ना दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिंग मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है उसके लिए बिजनेस पॉलिसीज परफेक्ट है ना अगर आप कॉस्टिंग करते हो तो उसके बेस पे आपको पता चलेगा ए बनाना है बी बनाना है कि सी बनाना है या कोई और प्रोजेक्ट में जाना है क्लियर है देन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इफिशियंसी कॉस्टिंग का स्कोप तो यही भी है ना कि स्टैंडर्ड सेट करना तो वो आपको हेल्प करेगा टू इवेल्युएट कि कितना इफिशियंट है एंड फाइनली बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया मार्जिनल कॉस्टिंग में में बहुत डिटेल पढ़ोगे कि मेरे पास एक लाख अवर का कैपेसिटी है मार्केट फॉर मैनेजमेंट जो कॉस्टिंग के डेटा से काम होता है कॉस्टिंग का स्कोप क्या क्या आप से बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड मार्जिनल एंड नॉर्मल कॉस्टिंग जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है तो आप देखो पहला क्लासिफिकेशन ये आपका नॉर्मल कॉस्टिंग कर देता है कि भाई कौन से डिवीजन में कितना खर्चा हो रहा है कंट्रोल ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट ये कंट्रोल कब कर पाओगे आप जब आप कॉस्टिंग करो पता चले कि ज्यादा हो रहा है क्लियर है नॉर्मल कॉस्टिंग करो या स्टैंडर्ड सेट करो वर्सेस एक्चुअल को कंपेयर करो ये कॉस्टिंग के स्कोप में ही आएगा और कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने एज अ मैनेजमेंट वी वॉन्ट टू मिनिमाइज अवर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट राइट प्राइस डिटर्मिनेशन ऑब्वियसली कॉस्टिंग के बाद ही आप प्राइस कोट कर पाओगे सारे बिजनेस डिसीजन आपको कॉस्टिंग के बेस पे ले सकते हो उसके बाद है आपका स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग स्टैंडर्ड सेट कौन करके देगा कॉस्टिंग में से आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला विंग करके देगा एंड बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सिस वर्कर वर्कर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो कॉस्टिंग से क्या होता है कि आप ना हर एक वर्कर का इफिशियंसी चेक कर सकते हो एंड पैरेलली जो ज्यादा इफिशियंट है ना उसको आप प्रॉपरली इंसेंटिव दे सकते हो क्लियर है कॉस्टिंग का स्कोप सिर्फ कैलकुलेट करना नहीं है कि वर्कर का कॉस्ट कितना हुआ आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा स्टैंडर्ड सेट करना इस, पार्ट ऑफ कॉस्टिंग उसके बाद आप एक्चुअल के साथ कंपेयर करके यू कैन क्वांटिफाई दी आपको पता चला कि मिस्टर ए इज अ मोर इफिशियंट तो मिस्टर ए को आप इंसेंटिव दो और बी जो है वो लेस इफिशियंट है तो उसको आप इंसेंटिव नहीं दो बट मोटिवेट करो कि भाई आप ना यहाँ पहुंच सकते हो ठीक है ये सारा इंपॉर्टेंट है ये सारा डेटा कहाँ से आएगा कॉस्टिंग से आएगा इसके बेसिस पे क्या होगा जो इनइिशियंट वर्कर है ना अगर आप इफिशियंट वर्कर को ज्यादा पे कर रहे हो तो पैसे जो है ना वो ऑटोमेटिक मोटिवेशन है ठीक है तो इन इफिशियंट वर्कर भी इफिशियंट हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर इसका यूज करो तो उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर तो कॉस्टिंग का डेटा देख के दे कैन रिलाय एंड रिलाये ये कंपनी साउंड है कि है नहीं है ठीक है अगर आपका बहुत प्रॉपर कंट्रोल है अपने कॉस्टिंग पे और कॉस्टिंग को देख के आपका प्रॉफिट मार्जिन पता चलेगा ना आप प्रोडक्ट पांच सौ रुपए में बेच रहे हो तो मुझे यह पता नहीं चलेगा कि आपकी कंपनी बेटर है मेरे को कॉस्टिंग देखना पड़ेगा मान लो वो चार सौ अस्सी में तो बनता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बीस रुपए है बट कोई ऐसी कंपनी है जो तीन सौ में बना रही है या तीन सौ में बनता है और पांच सौ में बेच रहे तो उसका यूज प्रॉफिट मार्जिन है तो कॉस्टिंग क्रेडिटर्स क्रेडिटर मतलब जो आपको लोन देने वाले या जो आपको क्रेडिट पे गुड्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेकआउट दैट की ये कंपनी कितनी साउंड है लिक्विड कितनी है राइट एंड फाइनली इंपोर्टेंस टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है so, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता ध्यान देना गवर्नमेंट पे बहुत सारे टैक्स रिलेटेड डिसीजन होते हैं लाइक like, आप suppose on, आप सपोज इंडिया में बैठे हो तो एज इंडियन गवर्नमेंट वो क्या चाहेगी कि सारे प्रोडक्ट यहीं पे बने जो इंडिया में बिकता है न, वो इंडिया में बने भी बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करें तो मान लो एक है ना चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे और चाइना में कंपेरेटिवली मान लो uh, सारी एक्टिविटी चीपर रेट पे हो रही है और चाइना पे एक प्रोडक्ट ना सौ रुपए पर टन या सौ रुपए पर के रखो ना सिंप्लिस के लिए वो यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है क्लियर है अब हुआ क्या है कि यहाँ पे समाव अपना जो एनवायरमेंट है या जो मैन पावर का अवेलेबिलिटी है या मशीन का जो अवेलेबिलिटी है वो इतना प्रॉपर नहीं है एंड दैट इज द रीजन कि वही प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे बनाते हैं ना तो एक रुपए में बन रहा है कितने में बन रहा है 160 क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है चाइना से हम ला दे यहाँ पे जिसमें चाइना का बेचने वाले का प्रॉफिट मार्जिन भी है और वो कितने में दे रहा है आपको सौ रुपए में और यहाँ पे आप बना रहे हो तो खर्चा हो रहा है एक सौ साठ इज इट पॉसिबल और नॉट नहीं हो सकता ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट में ऐसा ही है चाइना के साथ आप कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर आपको उनको कॉम्पीट करना है तो यू शुड कॉम्पीट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ठीक है कॉस्ट में उनके साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है आप जो रेट बोलो उससे कम में वो बना के दे देंगे ठीक kind of है? मतलब मेरे batchmate और मेरे और वो बना दे, दे ना, तो एक चीज उनको 110 रुपए में पड़ रही थी चाइना से वो इंपोर्ट करवाते जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन है जो 90 रुपीज में यहाँ पड़ रही है कितने में पड़ रही है नाइन्टी में या बना रहे थे एन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेवन करोड़ मशीनरी बहुत महंगी है उसकी सात करोड़ की मशीनरी लगाने के बाद आपको कितने में बन के मिलेगा एक में और वो इम्पोर्ट करो नाइनटी में हो रहा है सी गवर्नमेंट को ये कैसे हेल्प करेगा ध्यान से सुनना कि आपको ये पता चला कि वहां से सौ रुपए में आ रहा है गवर्नमेंट को जब ये पता चलेगा ना कि यहाँ बनाने में जेन्युनली एक सौ साठ लग रहा है जेन्यूनली कॉस्टिंग जेन्युनली होगा तो गवर्नमेंट विथ कम विथ अ पॉलिसी है ना ये चाइना वाला आना नहीं चाहिए यहां पे क्योंकि होगा क्या फिर तो क्या डोमेस्टिक जो मैन्यूफेक्चर है वो बंद कर देंगे वो सौ वाला जो आता गया यहाँ पे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को तो हिट होगा ना तो अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहाँ बंद हुई तो ओवरऑल जीडीपी पे उसका इम्पेक्ट है तो गवर्नमेंट अपनी जो टैक्सेस एंड पॉलिसी है ना उसमें एक पॉलिसी होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग मतलब क्या कि आप डंप कर रहे हो ना वहां से चाइना से उसको कंट्रोल करने के लिए विल कम अप विद एन एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब क्या हुआ वहां से सौ रुपए में आ रहा है तो उस उसपे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दो सत्तर रुपए अब कितने में नहीं ये एकदम फैक्ट है एक ऐसा ही होता है आपको और लग रहा है बट इट इज क्वाइट नॉर्मल क्योंकि कोई भी ये हर कंट्री यूज करती है आप अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफेक्चरर है उसको बंद थोड़ी करवाओगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एस सच आपके ग्लोबल रिलेशन को बहुत बार हिट करती है बट टू सेव योर कंट्री आपको करना पड़ता है तो सौ में आ रहा था सत्तर रुपए ड्यूटी लगी अब कितना हो गया वन सेवेंटी स्टिल योर लोकल मैन्युफेक्चरर कैन कंपीट अब उसको भेजना है तो भेजे क्लियर है या एक सौ साठ एक सौ साठ कर दो साठ रुपए लगा दो वैसे एकदम अनफेयर भी नहीं होता फेयर होता है यहाँ एक सौ साठ है तो आपका भी एक सौ साठ अब आप क्वालिटी में जीतो क्लियर है इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट कॉस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है टू मेक पॉलिसीज रिलेटेड टू योर टैक्सेशन राइट एंड जनरल पब्लिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रॉपर कॉस्टिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये कॉस्ट को कंट्रोल करना तो अगर आप कोई भी कॉस्ट को कंट्रोल करते हो प्रोडक्ट सस्ता होता है सस्ता होता है तो वो जनरल पब्लिक के लिए काम आएगा ठीक है सस्ते रेट पे अवेलेबल होगा ये मैं जो बोल रहा हूँ ना सब लिखा हुआ है मैंने आपको सिर्फ फास्ट ट्रैक बता दिया क्लियर है सो दैट्स इट विद दैट अपने ये कह सकते हैं कि आपका थियरी वाला पार्ट इज वन मोर सेशन इज रिक्वायर्ड मोस्ट प्रोबेबली वी हैव ऑन थर्सडे ना थर्सडे को होगा इन दैट विल कम्प्लीट सम्स ऑल्सो राइट मैं ये सीट वापस से आपको शेयर कर दूंगा इसका फर्स्ट पार्ट आपको शेयर किया है ये कंटिन्यूटी में हाँ मतलब ये वाला पार्ट यहाँ तक तो आपको शेयर किया था ठीक है इसके आगे वाला मैं आपको कर दूंगा डन चलो आप लोग का टेस्ट सीरीज है ना वो कब से है वो देना दस टेस्ट दोगे ना तो सॉर्टेड है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा तो एकदम एग्रेसिवली वो टेस्ट यहाँ के देना आप घर पे देना वो ऑप्शन ही नहीं है तो हाँ घर पे तो आप अपने तर...